Hey guys, welcome back to Become English Champion YouTube channel. My name is Ankush और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इंग्लिश की पावर क्या होती है और अगर आपको एक बार इंग्लिश आ जाए तो आप अपने आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी बुक रीड कर सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में जो रीड करेंगे वो एक कम्प्लीट चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने सुनी होगी उसके बारे में पूरी स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, ये क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। 1 और 2 मैं ऑलरेडी पढ़ के आपको दिखा चुका हूँ, 3 भी आई थिंक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो किसी फ्यूचर की वीडियो में हम उसको भी रीड करेंगे। और वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी बहुत पावरफुल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को रीड करना। और उससे पहले, मैं कोई हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, मैं इंग्लिश टीच करता हूँ, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं आपको सारी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर +1 की +2 की 8th, 9th, 10th की सारी बुक्स पढ़ा दीजिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ऑल दैट। आपको बता दूं, तभी मैं आपको बोलता हूं, पहले लायक बन जाइए, इंग्लिश को सीख लीजिए, मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, राइट? तो अगर सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो डाउनलोड बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड ज्वाइन माई 1 ईयर कोर्स जिसमें पूरी इंग्लिश आप सीख सकते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को रीड करना। तो इस चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। सिटीज मतलब शहर, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मतलब बहुत पहले के। तो जो प्राचीन जो शहर होते थे उनके बारे में ये चैप्टर है, तो इसको आप ध्यान से देखते जाइएगा, मैं पूरा पढ़ूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चैप्टर है अर्लियर सिटीज, यहाँ पे लिखा है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक ओल्ड बिल्डिंग को, पुरानी इमारत को सेव करना। जसपाल एंड हरप्रीत, जसपाल और हरप्रीत, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, वर प्लेइंग, खेल रहे थे क्रिकेट। कहाँ खेल रहे थे? इन द लेन, लेन मतलब गली में, आउटसाइड देयर होम, उनके घर के बाहर। व्हेन, जब, दे नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने नोटिस किया, द पीपल, लोगों को, हु वर एडमायरिंग, जो तारीफ कर रहे थे, किस चीज की? द डिलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग, इमारत, ओल्ड इज पुरानी, और डिलैपिडेटेड मतलब हो जाता है टूटी फूटी। इसको आप याद कर लीजिए, अच्छा वर्ड है। और डिलैपिडेटेड यानी के जो बिल्कुल टूट फूट गई है उसको बोलते हैं डिलैपिडेटेड, और पुरानी इज ओल्ड बिल्डिंग। तो उसकी वो तारीफ कर रहे थे कुछ लोग, इन्होंने दोनों ने नोटिस किया, और इन्होंने नोटिस किया कि वो तारीफ कर रहे थे दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। अब यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि जिसको, बिल्डिंग के लिए इसको यूज किया गया, जिसको द चिल्ड्रन कॉल्ड, बच्चे बोलते थे हॉन्टेड हाउस, मतलब भूतिया घर। तो हॉन्टेड मतलब होता है जो भूत वाला हो, और हाउस मकान, तो भूतिया घर जिसमें हमें लगता है यार इसमें तो भूत रहता है, तो हॉन्टेड हाउस। आगे लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमास, लुक एट द आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर को देखो। अब ये आर्किटेक्चर क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब होता है वास्तुकला। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है आर्किटेक्चर इज वास्तुकला। तो उसने बोला लुक एट द आर्किटेक्चर, वास्तुकला को देखो। सेड, कहा वन ऑफ द मैन, मतलब वो जो आदमी थे, लोग थे, उनमें से एक ने कहा यार इसकी आर्किटेक्चर देखो। अब इसके बाद हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है या देखी है द फाइन वुड कार्विंग। कार्विंग का मतलब क्या होता है इसको समझ लो, जैसे पत्थर होता है, पत्थर को हथौड़ा छेनी मार मार कर क्या करते हैं, एक आकार दे देते हैं। अब वो लकड़ी भी होती है, लकड़ी को हथौड़ा छेनी से काट काट कर या किसी भी टूल से उसको एक आकृति बना देते हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं कार्विंग करना। फाइन मतलब बहुत जबरदस्त, बड़ी ही शानदार, वुड मतलब लकड़ी, और कार्विंग मतलब एक उससे बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई एक तस्वीर या कोई भी चीज। तो क्या तुमने देखी है इतनी फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड, पूछा किसने, वन ऑफ द विमेन, उन औरतों में से एक औरत ने पूछा। आगे लिखा है, अब ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, तो वी मस्ट राइट, हमें लिखना चाहिए टू द मिनिस्टर, मंत्री को, सो दैट, ताकि शी मेक्स अरेंजमेंट। तो उस टाइम कोई लेडी रही होगी मिनिस्टर, तो वो औरतें कह रही है हमें मंत्री को लिखना चाहिए, सो दैट, ताकि
शी मेक्स अरेंजमेंट्स, वो कुछ अरेंजमेंट्स कर सके टू रिपेयर, रिपेयर करने की, ठीक करने की, एंड प्रिजर्व और सुरक्षित करने की. प्रिजर्व मतलब होता है बचा कर रखना. किस चीज को? दिस ब्यूटीफुल हाउस, इस सुंदर मकान को. तो ये भी किसने कहा? उनमें से एक औरत ने. तो हमें मंत्री को सूचित करना चाहिए, बताना चाहिए, लिखना चाहिए कि वो अरेंजमेंट करे रिपेयर करने की और प्रिजर्व बचा कर रखने की इस ब्यूटीफुल हाउस को, जो कि क्या था? डिलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग, मतलब जर्जर हुआ या टूटा फूटा ओल्ड बिल्डिंग. इसके बाद वाई, क्यों? दे वॉन्डर्ड, उन्होंने हैरानी से सोचा. दे मतलब ये दोनों लोग, ये जो दोनों जो आपको ये दिख रहे हैं इमेज में, तो इन दोनों ने सोचा. वॉन्डर मतलब हैरानी से सोचना. तो इन दोनों ने हैरानी से सोचा, वाई वुड एनी वन बी इंटरेस्टेड, कोई रुचि क्यों लेगा. ये फ्यूचर की बात नहीं है, तो कोई, ये उसी टाइम की बात हो रही है जब ये आपस में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की बात, इसलिए वुड का यूज. तो कोई इंटरेस्ट क्यों लेगा इन द ओल्ड, मतलब पुरानी, रन डाउन हाउस में, मतलब जो बिल्कुल, जिसको आप क्या बोलते हैं, खंडर, जो खंडर हो जाता है एकदम से, तो उसको बोलते हैं रन डाउन हाउस, जो बिल्कुल ही खराब हो गया है. तो कोई इसमें इंटरेस्ट क्यों लेगा, इन दोनों को ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा है. तो आई होप आपको ये समझ में आया. अब रियल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है. तो अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. तो इंग्लिश में हड़प्पा लिखा है, हिंदी में हम इसको हड़प्पा बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको हड़प्पा ही बोलूंगा जहां पर भी आएगा. तो देखिएगा ध्यान से, वेरी ऑफन, अक्सर, इसका मतलब अक्सर, ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. कह रहे हैं अक्सर जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके पास एक स्टोरी होती है टू टेल, बताने के लिए. इसका सिंपल ये मतलब हो गया, हर इमारत की एक कहानी होती है. नियरली, कह रहे हैं करीब करीब, 150 ईयर्स अगो, मतलब 150 ईयर्स अगो, 150 साल करीब करीब, इतने साल पहले, व्हेन, जब रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन, जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी. दिस इज पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, इसीलिए बीइंग का यूज थर्ड फॉर्म. तो जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन द पंजाब, पंजाब में, और द लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों लिखा है, द आना नहीं चाहिए. तो पंजाब में उस टाइम बिछाई जा रही थी, जब इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना, लड़खड़ाना. तो वो लाइन बिछा रहे थे, कुछ खोद रहे थे, खोदते खोदते उनको ठोकर लगी, इसका मतलब है अचानक से उनको कुछ मिला. तो इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन, क्या मिला? द साइट, एक जगह मिली. साइट मतलब एक जगह, कौन सी जगह? ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की एक जगह मिली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में. ये पाकिस्तान क्यों लिखा है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान, मतलब आज का जो पाकिस्तान है ना, पहले तो वो कोई पाकिस्तान नहीं था उस टाइम, तो आज जो पाकिस्तान बन गया है ना, उस लोकेशन पे एक सभ्यता मिली जिसको बोला गया हड़प्पा. टू देम, उनके लिए, मतलब जो भी वो इंजीनियर्स थे, उनके लिए इट सीम्ड, मतलब उनको ऐसा लगा, ये चीज उनको लगी, ये कौन सी, जो वो जगह थी, साइट थी, वो लगी लाइक अ माउंड, एक टीले की तरह. टीला क्या होता है? जैसे आपने रेगिस्तान में मिट्टी के टीले देखे होंगे, मिट्टी नहीं, रेत के टीले देखे होंगे, तो उसको माउंड बोलते हैं. तो उनको लगा कि ये तो बस टीले हैं. दैट वॉज अ रिच सोर्स, जो, दैट इज जो, ये दैट माउंड के लिए यूज हुआ है, जो वॉज अ रिच सोर्स, वो काफी रिच सोर्स थे, स्रोत थे, ऑफ रेडीमेड, मतलब बने बनाए हाई क्वालिटी ब्रिक्स के, मतलब वहां पे बहुत सारी ईंटें मिली, ब्रिक्स मतलब ईंटें, अच्छी क्वालिटी की, रेडीमेड मतलब पहले से तैयार. तो उनको वो मिली बहुत सारी वहां पर, तो उनको यही लगा कि ये तो मतलब जो ईंटें हैं उनका बहुत सारे बड़े बड़े ढेर लगे हैं, टीले लगे हुए हैं, तो उनको पहले ये लगा. सो इसीलिए दे कैरीड ऑफ, तो वे उठाकर ले गए. कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है? उठाकर ले जाना. सो हम कह रहे हैं सो इसीलिए दे कैरीड ऑफ, वे उठाकर ले गए थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स, हजारों ईंटें उठाकर ले गए, फ्रॉम द वॉल्स, दीवारों पर से. कौन सी दीवारें? ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स, मतलब वो जो साइट मिली थी, जगह मिली थी, वहां पे जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी
उनकी जो दीवारें थी वहां से हजारों ईंटें वो उठा कर ले गए, और बिल्ड ओल्ड बिल्डिंग्स कौन सी ऑफ द सिटी, उस सिटी की, उनको शहर मिले थे पूरे के पूरे, मतलब पहली सिटी मिली थी वो उनको, तो उसकी ओल्ड बिल्डिंग से सारी वो ईंटें उठा कर ले गए टू बिल्ड, बनाने के लिए रेलवे लाइंस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो एक सिटी मिली थी, वहां से सारी ईंटें उनको लगा बस ये तो ईंटों के ढेर है, तो उनके अच्छी हेल्प हो गई थी, उठा उठा कर वो ले गए रेलवे लाइंस बिछाने के लिए। मैनी बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब पूरी तरह से तबाह हो रखी थी, डिस्ट्रॉयड हो रखी थी। देन फिर अबाउट 80 ईयर्स अगो, कह रहे हैं फिर 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, पुरातत्ववादी, मतलब जो ओल्ड सभ्यताएं होती है या ओल्ड चीजें होती हैं, तो वो मैन हिस्ट्री, मैनकाइंड की जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो कह रहे हैं फिर लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट जो थे फाउंड, उन्हें मिली द साइट, जगह, ये वाली जगह मिली, एंड रियलाइज्ड, और उनको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ दैट की दिस वॉज, यह थी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज। अब यहाँ पे ओल्डेस्ट सिटीज मतलब बहुत सारी सिटीज थी पुरानी, बहुत सारी सिटीज, उनमें से ये एक थी, उनको ये एहसास हुआ कि बहुत सारी सिटीज रही होंगी प्राचीन इस धरती पर, तो उनमें से एक ये भी था, उनको ये एहसास हुआ। और कहाँ पर थी, इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो उपमहाद्वीप थे, जैसे 7 महाद्वीप होते हैं उनमें उपमहाद्वीप होते हैं, तो उनमें जितनी भी सिटीज होती हैं ओल्डेस्ट, उनमें से ये एक थी, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया। एज क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट सिटी, क्योंकि ये पहली सिटी थी टू बी डिस्कवर्ड, जिसको डिस्कवर्ड किया गया, जिसको खोजा गया, इसीलिए ऑल अदर साइट्स, बाकी जितनी भी जगहें थी, साइट्स थी, फ्रॉम वेयर, जहां से सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स, जहां पे इसी तरह की और इमारतें, मतलब जो पहली सिटी उनको मिली थी वहां पे जैसी जैसी बिल्डिंग्स थी या चीजें थी, तो उसी को कह रहे हैं कि ऑल अदर साइट्स, जो दूसरी बाकी बची साइट्स थी जहां से सिमिलर बिल्डिंग्स या दूसरी चीजें वर फाउंड, वो मिली, वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन, उनको हड़प्पन कहा गया, राइट? तो आई होप यहां तक समझ में आया। तो जितनी बाद में उसके बाद सिटीज मिली, उस एक सिटी के बाद, उस एक जगह के बाद जितनी भी मिली, और जहां पर सिमिलर बिल्डिंग्स थी, सिमिलर ओल्ड थिंग्स थी, तो उनको नाम दे दिया उन्होंने हड़प्पन। दीज सिटीज, ये जो सिटीज थी डेवलप्ड, ये विकसित हुई थी अबाउट 4700 ईयर्स अगो, मतलब लगभग 4700 साल पहले ये सारी सिटीज डेवलप्ड हुई थी। तो आगे लिखा है, वेरी ऑफन, अक्सर ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन, पुल डाउन मतलब गिरा देना, अक्सर पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाता है टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, मतलब नई कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है उसके लिए, जगह बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग्स को ढहा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना, मतलब उसको बचा कर रखना, क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है? आगे बढ़ते हैं, ये आपके हिस्ट्री के टीचर आपको आंसर देंगे, बिकॉज मैं आपको सिर्फ इंग्लिश बता रहा हूं। आगे लिखा है, व्हाट वाज स्पेशल, क्या खास था अबाउट दीज सिटीज, इन सिटीज में। तो देखिएगा, आपकी नॉलेज बहुत एनहांस होगी, देखते जाइएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जिसको इंग्लिश नहीं आती डेफिनेटली मेरा कोर्स ज्वाइन करें। एंड गाइज, हर दो दिन शाम को 5 बजे, 2 दिन बाद शाम को 5 बजे वीडियो आता है, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर दे, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर आपको कई सारी अपडेट मिलती जाएंगी। तो क्या स्पेशल था इन सिटीज के बारे में, मैनी ऑफ दीज सिटीज, कह रहे हैं इन सिटीज में से बहुत सारी वर डिवाइडेड, वो बटी हुई थी इंटू टू और मोर पार्ट, दो या दो से ज्यादा हिस्सों में। तो ज्यादातर सिटीज जो थी उस टाइम की, वो दो या फिर दो से ज्यादा हिस्सों में बटी हुई थी। यूजुअली आमतौर पर द पार्ट टू द वेस्ट,
कह रहे जो हिस्सा था वेस्ट में, वेस्ट कहाँ पे, जहाँ पे सूर्य छिपता है, तो हमारा इंडिया जो है इससे वेस्ट में कौन सा देश आता है, पाकिस्तान, तो उस दिशा में, तो कह रहे जो हिस्सा था जो वेस्ट की दिशा में था वो स्मॉलर, वो छोटे होते थे बट हायर, लेकिन वो ऊंचे होते थे, ठीक है, तो छोटे होते थे ऊंचे होते थे जो वेस्ट की डायरेक्शन में थे। और आर्कियोलॉजिस्ट्स जो ये पुरातत्ववादी लोग थे डिस्क्राइब, वो डिस्क्राइब करते थे दिस इसको एज द सिटाडेल, सिटाडेल वो इसको बोला करते थे। तो ये आप याद रख लीजिएगा, जो वेस्ट साइड में जितने भी पार्ट होते थे जो छोटे होते थे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, स्मॉलर बट हायर, और टू द वेस्ट जो होते थे इनको एक नाम दिया गया था सिटाडेल, और हिंदी में आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, और नगर दुर्ग बोलते हैं शायद, ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं दुर्ग, दुर्ग बोलते हैं शायद, नगर दुर्ग, तो जो भी है हिंदी देख लीजिएगा आप, तो इसको सिटाडेल बोला जाता था। जनरली आमतौर पर द पार्ट टू द ईस्ट, जो ईस्ट की तरफ पार्ट था यानी कि पूर्व की तरफ जो पार्ट था वो लार्जर, वो काफी बड़ा होता था बट लोअर, लेकिन नीचा होता था, मतलब हाइट ज्यादा नहीं होती थी। दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है द लोअर टाउन, मतलब नीचे वाले इलाके, नीचे वाला नगर। जैसे नीचे एक इमेज बनी हुई है, मैंने देखी नहीं पर देख लेते हैं अगर इसमें कुछ हुआ तो जैसा भी है, अगर ये लेट्स सपोज ये ईस्ट है और इस साइड का वेस्ट है, ये सारा इंडिया आ गया, ये पाकिस्तान आ गया, इस तरह से, तो देख लीजिएगा आप, वैसे ईस्ट वेस्ट आपको समझ आता ही है। तो आगे पढ़ते हैं हम सीधा, तो उसको लोअर टाउन कहा जाता था। ये आप दो डेफिनेशंस याद कर लें जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, अदरवाइज जो इंग्लिश सीख रहे हैं उनको कोई जरूरत नहीं है इनको याद करने की। आगे लिखा है वेरी ऑफन अक्सर वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक, ब्रिक ईंट, बेक्ड मतलब पकी हुई ईंटें, जो मतलब अच्छी पक गई हैं, भट्टों में रखा जाता है, भट्टे होते हैं बड़े बड़े ईंटों के, तो ये पकी हुई ईंट थी वहां पर। कह रहे अक्सर जो दीवारें थी पकी हुई ईंटों की, वर बिल्ट, वे बनाई गई थी अराउंड ईच पार्ट, हर पार्ट के चारों ओर, ठीक है, अराउंड मतलब चारों ओर, मतलब जो भी उनका एरिया होता था, सिटी होता था, आपने देखा होगा कई किलों में चारों तरफ दीवारी होती थी, तो पक्की हुई ईंटों की दीवारी की जाती थी वहां पर भी। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड, मतलब जो ब्रिक्स थी वो इतनी अच्छी बनाई होती थी दैट की दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कि वो हजारों सालों से चलती आ रही है। अब यहाँ पे लास्ट का मतलब क्या होता है, चलना किसी चीज का, जैसे मीटिंग कितनी देर चलेगी, शूज कितने देर चलेंगे, कोई घर है कितनी देर चलेगा, उसको लास्ट बोलते हैं, एक वर्ब है, और ये हमारा टाइम इन टेंस का लेसन है, इसीलिए ये प्रेजेंट इनडेफिनिट में ना होकर बना हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में और साथ में टाइम। तो वो इतने बढ़िया ईंटें जो थी, वेल मेड ब्रिक्स थी, उनसे बनी हुई थी कि वो आज भी हजारों सालों से बनी हुई है, मतलब अभी भी चल रही है वो। द ब्रिक्स वर लेड, ईंटें रखी हुई थी, बिछाई हुई थी या रखी हुई थी इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, इंटरलॉकिंग मतलब उनको जोड़ा हुआ था इस तरीके से, या फिर चूने से जोड़ देते हैं या किसी भी चीज से, तो इंटरलॉक कर रखा था मतलब जोड़ा हुआ था। एंड और दैट मेड द वॉल, और यही चीज मेड द वॉल्स, दीवारों को बनाती थी स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, तो इंटरलॉकिंग किया होता था ईंटों को, वही इस चीज को मजबूत बनाती थी। आगे लिखा है इन सम सिटीज, कुछ सिटीज में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, कुछ खास बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती, कह रहे कुछ सिटीज में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, कुछ खास बिल्डिंग्स बनाई जाती ऑन द सिटाडेल, सिटाडेल पर, सिटाडेल अभी आपको बताया था जो वेस्ट की दिशा में हो, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या था, जो छोटे हो स्मॉलर हो लेकिन हायर हो, ऐसी जगह, तो उन पर बनाई जाती थी कुछ खास बिल्डिंगें, मतलब ऊंचाई पर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर इन मोहनजोदारो, हिंदी में मोहनजोदड़ो बोलते हैं और इंग्लिश में ये मोहनजोदारो लिखा है, तो कह रहे हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मोहनजोदारो, जैसे आप इमेज में देखिए यहाँ पर ये वाला इलाका, तो
तो यहाँ पर क्या होता था, अ वेरी स्पेशल टैंक, एक बहुत ही खास तरह का टैंक, मतलब पानी का टैंक, वॉज बिल्ट, वो बनाया हुआ था इन दिस एरिया, इस एरिया में. तो मोहनजोदारो जो है वहां पर एक स्पेशल टैंक बनाया हुआ था. और कौन सा टैंक, विच, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट्स कॉल, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते थे द ग्रेट बाथ, उसका नाम दिया था उस टैंक का द ग्रेट बाथ. अभी आपको नीचे इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको तो ज्यादा क्लियर होगा. तो यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको इमेज दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर होगा. ये देखिए ध्यान से, ये एक सिटी है, ये एक क्या बना रखा है, ग्रेट बाथ, ठीक है, एक टैंक है, यहाँ पे एक सीढ़ी है उतरने की, यहाँ पे एक सीढ़ी है, और इसके चारों ओर क्या होते थे, मकान होते थे. तो यही चीज आगे पढ़ते हैं फिर पता चलेगी आपको. तो यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक जिसे आर्कियोलॉजिस्ट बुलाते थे ग्रेट बाथ, वॉज बिल्ट, वो बनाया हुआ था इन दिस एरिया, इस एरिया में. दिस वॉल लाइंड विद ब्रिक्स, लाइन मतलब होता है बिछाया हुआ होना. तो दिस वॉज लाइंड, इसको बिछाया हुआ था विद ब्रिक्स, ईंटों से. कोटेड विद प्लास्टर, मतलब इस पे प्लास्टर के साथ इसको कोट किया हुआ था, मतलब प्लास्टर की कोटिंग की हुई थी, उस पे चढ़ाया हुआ था प्लास्टर ईंटों पर. एंड मेड, और बनाया हुआ था इसको वॉटर टाइट. वॉटर टाइट मतलब होता है जिसमें पानी ना घुस सके या फिर पानी बाहर ना जा सके. किससे बनाया हुआ था, विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार, एक तार होता है, जो भी आपने क्ले वगैरह लुक वगैरह देखी होगी तो टार होता है, तो उस एक नेचुरल जो टार था उसकी लेयर से बड़ा मतलब जोड़ के उसको बनाया था ताकि पानी बाहर अंदर ना जा सके. तो इसके बाद देयर वर स्टेप्स, स्टेप्स मतलब सीढ़ियां, अभी आपको दिखाई दो सीढ़ियां थी, देयर वर स्टेप्स, वहां पे सीढ़ियां थी उस ग्रेट टैंक में, लीडिंग, जो जा रही थी डाउन, नीचे की तरफ, टू इट, इस चीज में, मतलब इस टैंक के अंदर. तो दो सीढ़ियां थी वहां पे जो नीचे की तरफ जा रही थी, फ्रॉम टू साइड्स, दो तरफ से, जैसा इमेज में आपको दिखाया. वाइल, जबकि देयर वर रूम्स, जबकि रूम्स थे ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ, ठीक है. एक बार और दिखा देता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए. तो ये दिख रहा है आपको, ये जो स्टेप्स हैं, सीढ़ियों को स्टेप्स बोलते हैं, ये लीड कर रही थी डाउन, लीडिंग डाउन टू इट, मतलब इस ग्रेट बाथ में. और इसके चारों ओर क्या होता था, रूम्स बनाए जाते थे. तो देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स. वॉटर वॉज प्रोबेबली शायद वॉटर वॉज ब्रॉट इन, पानी को लाया जाता था फ्रॉम अ वेल, एक कुएं से, एंड और ड्रेन्ड आउट, और उसको निकाल दिया जाता था आफ्टर यूज, यूज के बाद. परहैप्स शायद इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप, यानी जो खास लोग होते थे शायद वो इसमें नहाते थे, किसमें, इन दिस टैंक, इस टैंक में, ऑन स्पेशल ओकेजन्स, कुछ खास अवसरों पर. हो सकता है बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे जाते हो उस टाइम, तो उनके लिए वो खास जगह रखी जाती हो. तो आगे पढ़ेंगे, मैंने भी हिस्ट्री इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी है, बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश आई कैन रीड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड ऑल द सब्जेक्ट्स वेरी वेल. यू टू कैन रीड एवरीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टीचर इफ यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. सो आगे लिखा है, अदर सिटीज, जो बाकी की सिटीज थी, सच एज, जैसे कि कालीबंगा एंड लोथाल. तो ये अदर सिटीज जो थी, कालीबंगा एंड लोथाल, हैड फायर अल्टार्स, ये अल्टार ही शायद इसको बोलते हो, हिस्ट्री का टीचर आपका बता देगा इसको क्या बोलते हैं. वैसे इसको अल्टर पढ़ा जाता है मेरे हिसाब से, तो ALTAR, अल्टर्स, इसको बोला जाता है अग्निकुंड, जैसे हवन होते थे उसमें अग्निकुंड बनाए जाते थे, तो अल्टार्स बोलते हैं उसको. तो कुछ अदर सिटीज थी जैसे कि ये दोनों, यहाँ पे हैड फायर अल्टार्स, यहाँ पे अग्नि के कुंड थे, फायर अल्टार्स, अल्टर्स भी बोल सकते हैं, ये पूछ लीजिएगा अपने हिस्ट्री के टीचर से. जहां पर, वेयर सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस मतलब क्या होते हैं, हवन वगैरह, मे हैव बीन परफॉर्म्ड, किए जाते होंगे. तो अदर सिटीज जैसे कि ये दोनों, इनमें फायर अल्टर्स थे जहां पर हवन किए जाते होंगे. तो मे हैव बीन पास्ट की बात. तो ये पैसिव वॉइस है जो मैंने आपको पार्ट टू में कराया था वर्कबुक में. एंड और
सम सिटीज और कुछ सिटीज लाइक जैसे कि मोहनजोदारो, हरप्पा एंड लोथाल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। स्टोर हाउस आप जानते ही हैं, स्टोर हाउस होते हैं जहाँ पे सामान वगैरह रखते हैं। इलेबोरेट का मतलब हो जाता है विस्तृत, मतलब बड़े बड़े। और जो कुछ सिटीज थी वहाँ पे जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथाल, इनमें बड़े बड़े स्टोर हाउस थे जहाँ पे काफी सामान रखा हुआ था। तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं तो बहुत नॉलेज मिलती है हिस्ट्री से अगर आप पढ़ेंगे। आगे लिखा है हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। हाउसेज मकान, ड्रेन्स मतलब नालियां, स्ट्रीट्स मतलब गलियां। तो क्या लिखा है, जनरली आमतौर पर हाउसेज घर वर, हाउसेज थे आमतौर पर घर थे आइदर या तो वन और या टू स्टोरेज, मतलब एक या दो बिल्डिंग के घर होते थे उस टाइम, टू स्टोरी हाई विद रूम्स, और रूम्स भी होते थे वहां पे। देखो हाउस मतलब हाउस के अंदर रूम्स होते हैं, तो हाउस जो पूरा मकान होता था वो या तो वन स्टोरे या टू स्टोरेज होता था विद रूम्स, उसमें रूम्स भी होते थे बिल्ट बने हुए अराउंड अ कोर्ट यार्ड, जो भी आंगन होता था। तो कोर्ट यार्ड मतलब होता है आंगन, तो उस आंगन में के अराउंड चारों ओर कमरे बने होते थे। ऐसा इमेजिन कर लीजिए, मैं बना देता हूँ, जैसे ये दरवाजा है, ये चार दीवारी है, मतलब ये पूरा एक मकान हो गया, हो सकता है दो बिल्डिंग भी हो। तो ये इसका आंगन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कमरे बने हुए हैं चारों तरफ। तो यही बात ये कह रहे हैं कि हाउसेस या तो वन और टू स्टोरेज थे विद रूम्स, और रूम्स थे अराउंड अ कोर्ट यार्ड, ये कोर्ट यार्ड के अराउंड। मोस्ट हाउसेस, ज्यादातर घर हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, तो ज्यादातर घरों में एक अलग एरिया था नहाने के लिए। एंड और सम हैड वेल्स, और कुछ में कुएं भी थे टू सप्लाई वाटर, पानी सप्लाई करने के लिए। मैनी ऑफ दीज सिटीज, इनमें से बहुत सारी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, तो इनमें से बहुत सारी सिटीज में ढकी हुई नालियां भी थी। ड्रेन्स मतलब नालियां, कवर्ड ड्रेन्स मतलब ढकी हुई नालियां। तो इन सिटीज में बहुत सारियों में क्या था, ढकी हुई नालियां भी थी, जैसा आजकल हमारे यहाँ पर होती है। नोटिस करें हाउ केयरफुली, कितनी सतर्कता से, ध्यान से दीज वर लेड आउट, इनको रखा गया था, मतलब इन नालियों को कितनी ध्यान पूर्वक रखा गया था, इन स्ट्रेट लाइन्स मतलब बिल्कुल सीधा सीधा। तो इस चीज को नोटिस कीजिए, हालांकि यू कैन नॉट सी इट, हालांकि आप इसको देख नहीं सकते हैं। ईच ड्रेन, फिर भी जो हर नाली थी हैड अ जेंटल स्लोप, जेंटल मतलब एक बिल्कुल कोमल सी, नॉर्मल सी, और स्लोप मतलब होती है एक ढलान टाइप में, स्लोप मतलब एक तरह की स्लाइड। तो ये जो ईच ड्रेन मतलब हर नाली थी हैड अ जेंटल स्लोप, मतलब हल्की सी डाउन होती थी, सो दैट ताकि वाटर कुड फ्लो, पानी फ्लो कर सके थ्रू इट, इसके बीच से, मतलब वो नीचे वाले एरिया में पहुंच सके। वेरी ऑफन, कह रहे अक्सर, ड्रेन्स जो नालियां होती है होती थी इन हाउसेस घरों में। अब ये इमेजिन करते जाइए, कह रहे अक्सर जो ड्रेन्स होती थी घरों में वर कनेक्टेड, वो जुड़ी हुई थी टू दोज, उनसे। अब ये दोज किसके लिए यूज हुआ, नालियों के लिए। तो जो नालियां होती थी घरों में वो कनेक्टेड होती थी टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स, जो गलियों की नाली होती थी उनसे, जैसे हमारे घर के अंदर जो नालियां हैं वो जो गली की नाली है उससे कनेक्ट होती थी। एंड स्मॉलर ड्रेन्स, और जो छोटी छोटी नालियां होती थी लेड इनटू बिगर वंस, और वो उस चीज को बड़ी नालियों में लेकर जाती थी, जैसे नालों में घर की नालियां गली की नालियों से कनेक्ट हुई, और जो गली की नालियां हैं वो जो बड़े बड़े नाले होते हैं उनसे कनेक्ट होती है, तो उसी तरह की वहां अरेंजमेंट होती थी। आगे लिखा है एज, क्योंकि द ड्रेन्स वर कवर्ड, क्योंकि नालियां ढकी हुई थी, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड, तो वहां पे इंस्पेक्शन होल्स भी प्रोवाइड किए गए थे। अब इंस्पेक्शन होल क्या होते हैं, तो कई लोग आते हैं ना इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने, देखने के लिए, जांच करने के लिए। तो जैसे अगर आपके यहाँ पे नालियां हैं, अगर वो ढकी हुई हैं, तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर उन पर एक ढक्कन लगाया जाता है, ताकि अगर वो नाली ब्लॉक हो जाए तो उसको उठाकर चेक किया जा सके, तो इंस्पेक्शन होल्स कहा जाता है उनको। तो क्योंकि जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड थी, और जो इंस्पेक्शन होल थे वो प्रोवाइडेड, वो उपलब्ध कराए हुए थे
एट इंटरवल्स, मतलब जगह जगह पर, टू क्लीन देम, उनको साफ करने के लिए. ऑल थ्री, कह रहे तीनों के तीनों, कौन, हाउसेस, घर मतलब मकान, ड्रेन्स नालियां, एंड स्ट्रीट्स और गलियां, वर प्लांड, वो बिल्कुल योजनाबद्ध थी, मतलब प्लांड थी, प्रोबेबली मतलब शायद, एंड और बिल्ट, बनी हुई थी एट द सेम टाइम. तो वे बनी हुई थी और पूरी प्लान्ड थी, मतलब पूरी प्लान के साथ बनी हुई थी एक ही बार में. और ये लिखा है लिस्ट एट लिस्ट टू डिफरेंसेस, लिस्ट मतलब दो डिफरेंसेस बताएं कम से कम बिटवीन हाउसेस, उन घरों के बारे में डिस्क्राइब जिनका वर्णन है हेयर यहाँ पर इस चैप्टर में, एंड दोज और उनका दैट यू स्टडीड, जो आपने स्टडी किया अबाउट इन चैप्टर थ्री. तो वहाँ भी किन्हीं घर, कोई घर बताए गए थे, तो कह रहे हैं उन दोनों का आपको क्या लगा, क्या डिफरेंस है वो बताइए. तो आगे पढ़ते हैं. तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी गाइस, लेकिन इसको एंड तक देखिएगा, नॉलेज बहुत है. लाइफ इन द सिटी, अब सिटी में लाइफ कैसी होती थी. अ हड़प्पन सिटी, जो हड़प्पन सिटी थी, वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, मतलब वो काफी चहल पहल वाली सिटी थी. बिजी प्लेस मतलब जहाँ पे हो हल्ला हो, काफी चहल कदमी हो, लोग आते जाते रहते हो. तो हड़प्पा सिटी काफी चहल पहल वाली प्लेस थी. देयर वर पीपल, लोग थे, हु प्लान्ड, जो योजना बनाते, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स, जो खास तरह की बिल्डिंग्स होती थी उनकी कंस्ट्रक्शन का पूरा प्लान करते थे, ऐसे लोग होते थे इन द सिटी, सिटी में. दीज वर द रूलर्स, ये रूलर्स होते थे, शासक होते थे, रूलर्स यानी कि शासक, जो रूल करते हैं, प्रोबेबली शायद. तो कह रहे हैं कि ये जो लोग थे जो प्लान करते थे स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन को, ये शायद रूलर्स थे, शासक थे, बड़े बड़े लोग थे. इट इज लाइकली, संभावना, ये लाइकली का चैप्टर हमारा. इट इज लाइकली दैट, संभावना है कि देयर रूलर्स सेंट पीपल, ये जो शासक है वो भेजा करते थे लोगों को टू डिस्टेंट लैंड्स, मतलब दूर दूर वाली जमीनों पर, टू गेट मेटल, मेटल लेने के लिए. मेटल इज धातु, प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर लाने के लिए भेजते थे, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीजें दैट दे वांटेड, जो उन्हें चाहिए होती थी. दे मे हैव कैप्ट, तो दे मे हैव कैप्ट, उन्होंने शायद रखा होगा, ये हमारा मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का चैप्टर है. दे मे हैव कैप्ट, उन्होंने शायद रखा होगा द मोस्ट वैल्यू, रखे होंगे द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब मोस्ट इज सबसे वैल्यूएबल इज कीमती, मतलब बहुत जो कीमती ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उन्होंने शायद रखी होगी. सच एज, जैसे कि ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, जैसे श्रृंगार करने के लिए आभूषण पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स उनको बोलते हैं. तो कौन से आभूषण, जैसे बालियां, हार, नाकों के होते हैं, तो ये सारे इनको ऑर्नामेंट्स बोलते हैं. तो ये किससे बने हुए थे, ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो इनसे बने हुए ऑर्नामेंट्स थे, और या ब्यूटीफुल बीड्स थे. बीड्स क्या होते हैं, मण के, तो माला में जो माला होती है उसमें मण के डलते हैं, उसको बोलते हैं बीड्स. तो वो थे फॉर themselves, खुद के लिए. तो उन्होंने रखे होंगे शायद मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सोने और चांदी के आभूषण और काफी सुंदर बीड्स अपने लिए. एंड और दे वर स्क्राइब्स, और वे स्क्राइब्स होंगे. स्क्राइब्स क्या होते हैं, जैसे स्क्राइब मतलब जैसे पत्थर है, पत्थर को छेद कर, मतलब उस पर हथौड़े छेनी से मार मार कर, स्क्राइब कर करके उस पर कुछ बनाया जाता है. तो वो जो काम करते हैं इस तरह का, उनको स्क्राइब बोलते हैं. तो कह रहे हैं एंड दे वर स्क्राइब्स, स्क्राइब कौन, आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है. पीपल, ये वो लोग थे हु न्यू, जो जानते थे हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, किस पर, पत्थरों पर, लकड़ियों पर या अलग अलग चीजों पर. तो दे वर स्क्राइब्स, वे स्क्राइब्स थे, मतलब एक तरह से शिल्पकार शायद इनको बोल सकते हैं. तो वो थे हु हेल्प्ड, जो मदद करते थे प्रिपेयर, तैयार करने में द सील्स, सील्स को. सील क्या होती है, जैसे सरकारी मोहर होती है, एक तरह का चिन्ह होता है, सरकारी सिक्का होता है, उस पर कोई ना कोई चिन्ह होता है, तो वो बनाते थे वो लोग. एंड और परहैप्स, और शायद रोट, और लिखते थे ऑन अदर मटीरियल्स, दूसरे पदार्थों पर, दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, जो अभी बचे हुए नहीं है. तो शायद जो अभी बचे हुए नहीं है, तो उन पर भी वो लिखा करते थे. तो अभी शायद वो गायब हो गए होंगे या खराब हो गए होंगे. तो आई होप यहाँ तक समझ में आया.
अभी आगे पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है, इतना तो आप देख ही नहीं पाएंगे वीडियो, और अब तक तो बहुत लोग भाग चुके होंगे, 90% से ज़्यादा लोग, बट स्टिल बिसाइड्स, इसके अलावा जो अभी बात हुई इसके अलावा, ये देखिए यहाँ पे इमेज में कुएं बने हुए हैं घरों में, कईयों में होते थे, बिसाइड्स इसके अलावा देयर वर मेन एंड वीमेन, तो इनके अलावा आदमी और औरतें होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन, इनको शायद शिल्पकार बोलते हैं, तो क्राफ्ट मतलब जो भी क्राफ्ट कुछ भी हाथ से कुछ बनाते हैं, तो वो बनाने वाले पर्सन भी थे इनके अलावा, आदमी भी और औरत भी, मेकिंग जो बनाते थे ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, हर तरह की चीजें, आइदर या तो इन देयर ओन होम्स या तो खुद के घरों में, और या इन स्पेशल वर्कशॉप्स या फिर खास तरह की वर्कशॉप्स में, पीपल वर ट्रैवलिंग, लोग ट्रैवल कर रहे थे, हिंदी तो ये बनती है, बट आप ये भी बोल सकते हैं पीपल यूज्ड टू ट्रैवल, लोग यात्रा किया करते थे टू डिस्टेंट लैंड्स, दूर दूर वाली जगहों पर, और रिटर्निंग और लौट आया करते थे विद रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे पदार्थ के साथ, एंड परहैप्स और शायद स्टोरीज और कहानियों के साथ, मतलब वहाँ की कहानी किससे भी वो लेकर आते थे दूर दूर वाली जगहों के, मैनी टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा क्या होता है, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन या फिर मिट्टी के बने हुए कोई भी चीज होते हैं तो उनको बोलते हैं टेराकोटा, तो मैनी टेराकोटा टॉयज मतलब बहुत सारे मिट्टी या फिर क्ले के जो बने हुए टॉयज होते थे, हैव बीन फाउंड, वो पाए गए हैं, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट, वे पाए गए हैं, एंड अ लॉन्ग टाइम अगो, और बहुत समय पहले, चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड, बच्चे जरूर खेलते होंगे विद दीज, इनके साथ, राइट right? तो आगे फिर लिखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल, उन लोगों की लिस्ट बनाओ हु लिव्ड, जो रहते थे इन द सिटी, सिटी में, वर एनी ऑफ दीज पीपल, क्या इन लोगों में से कोई भी लिस्टेड, मतलब लिखा है एज लिविंग इन विलेजेस एज मेहरगढ़, तो ये मेहरगढ़ कोई जगह होगी, आई डोंट नो, तो उसके बारे में बात हो रही है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा अपने आप, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, और ये देखिए आप, जैसे ये एक सील है मान लो, एक मोहर है, तो ये स्पेशल बनाया जाता था, स्क्राइब्स जो होते थे वो बनाते थे मोहरों को, सील्स को, और ये टॉयज होते थे कुछ जो टेराकोटा टॉयज जिनको बोला गया, तो आगे पढ़ते हैं, तो ये साइड में जो लिखा हुआ इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे देखिए फार लेफ्ट और लेफ्ट, मतलब लेफ्ट और फार लेफ्ट, ये फार लेफ्ट है, ये क्या है, अ हड़प्पन सील, एक हड़प्पन वासी जो होते थे, तो उनकी जो अथॉरिटी होती थी उनके पास इस तरह के मोहर होती थी, सील, द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट, ये जो ऊपर सील ये देख रहे हैं आप, लैंग्वेज देख रहे हैं, साइंस, तो एक तरह का सीक्रेट होता था उनका, सो दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सबकॉन्टिनेंट, मतलब उस तरह उस समय जो सबकॉन्टिनेंट में जो भाषा चलती थी वो भाषा यहाँ पे लिखी हुई है, तो स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दीज साइंस, तो स्कॉलर्स मतलब विद्वानों ने इनको पढ़ने की कोशिश की है, बट लेकिन वी स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, हमें अभी भी नहीं पता इनका क्या मतलब है, एंड लेफ्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये लेफ्ट हो गया और ये फार लेफ्ट हो गया, टेराकोटा टॉयज इनको कहा जाता है, टेराकोटा टॉयज, तो बहुत नॉलेज अगर आप सही में पढ़े तो इसको, तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर इसको फिनिश करते हैं, हाँ वीडियो काफी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, आगे लिखा है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, लेट अस लुक एट, कह रहे हैं चलो देखते हैं, लुक करें मतलब देखें एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कुछ वस्तुओं को दैट वर मेड, जो बनाई गई, एंड फाउंड जो, और जो मिली इन हड़प्पन सिटीज, इन हड़प्पन सिटीज में जो भी मिली बनाई गई, तो उन पे नजर मारिए, और ये देखिए स्टोन वेट्स दे रखे हैं टॉप में, स्टोन वेट्स, नोटिस करें हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली, मतलब कितने क्लियरली दीज वेट्स आर शेप्ड, इनको शेप किया गया है, दीज वर मेड ऑफ चैट, कोई होगा मटेरियल होगा शायद, तो उससे बना हुआ था, अ काइंड ऑफ स्टोन, मतलब ये एक पत्थर का नाम है चैट, तो उससे बने हुए थे ये, दीज वर प्रोबेबली यूज, इनको शायद यूज किया जाता था टू वे, मतलब वजन करने के लिए, प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थरों को और मेटल्स को, और राइट में बीड्स दे रखे हैं मणके, है ना, ये राइट हो गया, तो इसको भी देख लीजिए फिर पढ़ते हैं, तो ये क्या दे रखे हैं, बीड्स दे रखे हैं, ये माला वगैरह छोटे छोटे गोल गोल से मोती वगैरह, और फार राइट में मतलब यहाँ पर क्या दे रखे हैं, स्टोन ब्लेड्स, पत्थरों से बने हुए औजार, ब्लेड्स,
तो अब पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा आपको। तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इन कुछ ऑब्जेक्ट्स पे नजर मारिए दैट वर मेड, जो बने हुए थे और पाए गए थे हड़प्पन सिटीज में। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ज्यादातर चीजें, दैट हैव बीन फाउंड, जो पाई गई हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हैव बीन पैसिव वॉइस। तो ज्यादातर चीजें जो पाई गई हैं बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स, इनके द्वारा, आर मेड ऑफ स्टोन, वे ज्यादातर पत्थरों से बनी हुई हैं, शेल, या फिर शेल से बनी हुई है, यानी कि जो शंख वगैरह होते हैं आपने देखा होगा, वो जो मटेरियल यूज होता है उनसे बनी हुई है, एंड मेटल या धातुओं से बनी हुई है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, इनसे भी चीजें बनी हुई है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड, इनको यूज किया जाता था टू मेक टूल्स, जो टूल्स है उनको यूज करने के लिए, वेपन्स, हथियार बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाने के लिए, एंड वेसल्स, और बर्तन बनाने के लिए। आगे लिखा है, गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड, और सोने और चांदी को यूज किया जाता था टू मेक ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाने के लिए, एंड वेसल्स, और एक तरह के बर्तन बनाने के लिए, क्योंकि कई लोग वहां पे सोने के बने हुए बर्तनों में भी पानी पीते थे और आज भी पीते हैं। परहैप्स, शायद, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स, यहाँ पे स्ट्राइकिंग फाइंड्स का मतलब है सबसे अद्भुत जो उनको चीजें मिली हैं, तो कह रहे हैं शायद जो सबसे अट्रैक्टिव या सबसे अद्भुत जो चीजें मिली हैं आर दोज, वो जो है वो किस चीज की है, आर दोज ऑफ बीड्स, या तो वो इन मणकों की है, वेट्स मतलब, या तो जो वजन तोलने वाले होते हैं उनकी होती है, या फिर ब्लेड्स वगैरह, ये सारी ये चीजें हैं जो अभी तक की सबसे अट्रैक्टिव फाइंड्स, डिस्कवरीज मिली हैं। तो आगे क्या लिखा है, दी हड़प्पन्स, तो वहां के जो निवासी थे, ऑल्सो मेड सील्स, और वे सील्स भी बनाते थे आउट ऑफ स्टोन, पत्थरों से। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये आमतौर पर रेक्टेंगुलर होते थे, जैसा भी आपने ऊपर देखा, तो ये रेक्टेंगुलर होती थी। रेक्टेंगुलर कईयों को शायद पता ही ना हो, ये शेप रेक्टेंगुलर है और चारों जिसकी साइड बराबर होती है इसको स्क्वायर बोलते हैं, राइट। तो ये ज्यादातर रेक्टेंगुलर होती थी, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल, और आमतौर पर एक जानवर होता था, कार्व्ड मतलब छपा हुआ, बनाया हुआ, ऑन देम, उन पर। तो ये देख लीजिए, सील दिखा देता हूँ दोबारा आपको मैं, ये देखिए, ये जानवर बना हुआ है और रेक्टेंगुलर शेप में है, तो पूरी स्क्वायर नहीं है ये, थोड़ी रेक्टेंगुलर है। तो इसके बाद आगे लिखा है, दी हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पोर्ट्स, तो वे मटके भी बनाते थे, पोर्ट्स भी बनाते थे, विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिजाइंस, मतलब सुंदर से ब्लैक डिजाइन के पोर्ट्स बनाते थे, सच एज, जैसे कि द वन शोन ऑन पेज 6, जो पेज नंबर 6 पे दे रखा है, पेज 6 मेरे पास नहीं है, बुक में देख लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। वॉज मेटल यूज्ड इन द विलेजेस, क्या विलेजेस में मेटल यूज्ड होता था, यू लर्न, जो आपने सीखा अबाउट, जिसके बारे में आपने सीखा इन चैप्टर 3। वॉज स्टोन यूज्ड, क्या पत्थरों को यूज किया जाता था टू मेक वेट्स, वजन बनाने के लिए, मतलब तोलने वाला कोई टूल बनाने के लिए। आगे लिखा है, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन, जो कॉटन है वो शायद उगाए जाते थे एट मेहरगढ़ में फ्रॉम अबाउट, लगभग 7000 ईयर्स अगो, मतलब इतने साल पहले। एक्चुअल पीसीज ऑफ क्लोथ, पीसीज ऑफ क्लोथ मतलब कपड़ा जो है कॉटन या जो भी है जो ये उगाते थे उनका जो एक्चुअल पीस था, वर फाउंड, वो पाया जाता था अटैच्ड, जुड़ा हुआ, ध्यान से समझिएगा, जो एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ, जो कपड़े का एक्चुअल पीस होता था ना, वो पाया जाता था अटैच्ड, जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, टू द लिड, लिड मतलब ढक्कन, किसका ढक्कन, ऑफ अ सिल्वर वेस, वेस मतलब होता है फूलदान, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी का जो फूलदान होता था उसका जो ढक्कन होता था उसके साथ अटैच होता था क्या, पीस ऑफ क्लोथ, और किसके साथ अटैच होता था, एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी अटैच होते थे एट मोहनजोदारो में, तो ये मोहनजोदारो की बात हो रही है, वहां पे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स वगैरह अटैच होते थे। आगे लिखा है, मतलब ये सब ग्रो किए जाते थे मेहरगढ़ में कॉटन के, और इसके जो पीस होते थे वो ये मोहनजोदारो है, यहाँ पे जो सिल्वर वेस्ट के ढक्कन बनते थे वहां अटैच होते थे, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स होते थे वहां अटैच होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स, तो स्पिंडल हॉल्स या जो भी बोलते हैं इसको, मतलब सूत कताई होती है, शायद आज वाले लोगों को ना पता हो, आप सर्च करके देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा, जो सूत कताई होती थी, तो वो भी उनको मिली है
आगे लिखा है, तो वो भी उनको मिली है, मेड ऑफ टेराकोटा, जो टेराकोटा से बनी हुई है, मिट्टी वगैरह से बनी हुई है, एक तरह का मटेरियल होता है तो उससे बनी हुई है। एंड फेंस, फेंस इसको शायद बोलते हैं, फेंस जो भी है पूछ लीजिएगा अपने टीचर से, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, फेंस बोल देता हूँ। तो फेंस से बनी है और टेराकोटा से वो चीजें बनी हुई है, सूत कताई की मशीनें। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, तो इनको यूज किया जाता था किसके लिए, टू स्पिन थ्रेड, जो धागा होता था उसको घुमाने के लिए, स्पिन करने के लिए। और इससे ऊपर क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देखिए फेंस लिखा हुआ है, तो ये क्या होता था ये आप देख रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं तो ही समझ में आएगा। अनलाइक स्टोन और शेल, कह रहे हैं जो पत्थर होते थे या फिर जो शंख वगैरह होते थे उनकी तरह नहीं, डेट आर फाउंड नेचुरली, की जो सीधे सीधे मिल जाते थे प्राकृतिक तौर पे, पत्थर आपको वैसे मिल जाता है, शंख जो होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, तो अनलाइक स्टोन एंड शेल, मतलब पत्थर की तरह नहीं कि जो सीधा मिल जाता है या शेल की तरह जो सीधे मिल जाते हैं, तो फेंस जो होता था इज अ मटीरियल, एक तरह का मटीरियल है, पदार्थ है, दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, जिसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता था, मतलब उसको इंसान बनाता था, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, जो इंसान बनाए किसी चीज के मिक्सचर से, तो नेचुरल और नेचुरल जो प्राकृतिक तौर पर है, आर्टिफिशियल जो नेचुरल को यूज करके बनाया जाए, तो फेंस एक तरह का वो मटेरियल है जिसको आर्टिफिशियली बनाया जाता था। अ गम वॉज यूज, एक तरह का गम, मतलब एक तरह गम देखा होगा चिपकाने के लिए यूज करते हैं, एक गम यूज किया जाता था टू शेप सैंड, सैंड जो होता था मिट्टी वगैरह, तो और एक तरह नमक मिट्टी, मतलब अलग अलग तरह का मटेरियल होता था, उनसे बनती थी चीजें। तो बहुत सारे हमने पहले भी देखा है, अंदर चूना होता था वाइट कलर का, नमक के भी होते थे, मिट्टी के भी होते थे, बाहर से कोटिंग करके डिजाइन बना के खिलौने भी बेचते थे, ऐसा कुछ होता है। तो गम यूज किया जाता था सैंड को शेप करने में, और पाउडर्ड क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज भी एक तरह का मटेरियल है, तो उसका पाउडर भी यूज किया जाता था इन टू एन ऑब्जेक्ट, राइट, तो उसको जो पाउडर बनाकर सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज का, तो उसको मिक्स करके गम से जोड़ के एक आकार देकर, जैसा आप ये देख रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट बना देते थे कोई भी। दी ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड, फिर ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को ग्लेज्ड किया जाता था, ग्लेज्ड मतलब एक तरह से चिकनाई प्रदान करना, है ना, तो चिकना कर दिया जाता था ताकि उसमें चमक आए, रिजल्टिंग इन अ शाइनी, जिसका रिजल्ट होता था या तो शाइनी हो जाता था, ग्लासी हो जाता, मतलब कंच टाइप का लगता था, तो ऐसा सरफेस हो जाता था उसका, मतलब एकदम कंच की तरह। द कलर्स ऑफ द ग्लेज, जो ग्लेज थी मतलब चिकनाई वाला जो लेयर था, वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, या तो ब्लू होता था या सी ग्रीन होता था। फेंस वॉज यूज, इसको यूज किया जाता था टू मेक बीड्स, मणके बनाने के लिए, बैंगल्स कड़े वगैरह बनाने के लिए, ईयरिंग्स जो कान नाक के बालियां होती हैं उनको, एंड टाइनी विसल्स, और छोटे छोटे बर्तन या जो भी है उनके लिए इसको यूज किया जाता था। आगे लिखा है मैनी ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीजें दैट वर प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस की जाती, जिनका उत्पाद किया जाता था, वर प्रोबेबली, वे शायद वर द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, तो वो जो विशेषज्ञ होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे, उनका वो काम था, तो बहुत सारी चीजें जो प्रोड्यूस की जाती थी वो शायद स्पेशलिस्ट का काम था, वो जो स्पेशलिस्ट होते थे वो ऐसे काम करते थे। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन, एक स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, हु इज ट्रेंड, जो ट्रेंड होता है टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो एक काम को करने में माहिर होता है। जैसे मेरा, मैं स्पेशलिस्ट हूँ किस चीज में, इंग्लिश का स्पेशलिस्ट, क्योंकि मेरा जो स्पेशल नॉलेज है जिसमें मैं ट्रेंड हूँ तो वो इंग्लिश है, राइट, इसीलिए आई एम इंग्लिश स्पेशलिस्ट। तो उस टाइम के भी स्पेशलिस्ट होते थे अलग अलग चीजों में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कटिंग स्टोन, पत्थर काटने में अलग स्पेशलिस्ट, पॉलिशिंग बीड्स, जो मणके हैं उनको पॉलिश करने में, या कार्विंग सील, जो सील बनाते थे उनमें आकार बनाना, वो स्पेशलिस्ट अलग होते थे। लुक एट द इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 36 पे जो इमेज दे रखी है उसको देखें, एंड सी, और देखें हाउ वेल, कितनी बढ़िया, द फेस इज कार्व्ड, जो फेस है वो बनाया हुआ है, एंड हाउ केयरफुल, और कितने ध्यानपूर्वक, द बियर्ड इज शोन, जो दाढ़ी है वो शो की गई है। मैं देख लेता हूँ पेज नंबर कितना बोला, 36 अगर
है तो इसको देख लेते हैं। हाँ ये रहा 36, तो ये देखिए ये जो दाढ़ी है किस तरीके से बनाई गई है, तो इसी की बात वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई होप यहां तक समझ में आया। आगे लिखा है दिस मस्ट हैव बीन द वर्क, ये काम होगा ऑफ एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट का। बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मस्ट हैव जरूर होगा, तो ये जरूर वर्क होगा ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्स पर्सन, जो एक्सपर्ट है क्राफ्ट्स पर्सन उसका काम होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, नॉट एवरीबडी मतलब हर कोई नहीं, कुड हैव बन सकता था अ स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट मतलब संभव ही नहीं था, कुड हैव बीन का यूज। वी डोंट नो, हमें नहीं पता वेदर कि ओनली मैन या तो सिर्फ आदमी वर स्पेशलिस्ट, या तो केवल आदमी स्पेशलिस्ट थे, और ओनली वीमेन वर स्पेशलिस्ट, या केवल वीमेन ही स्पेशलिस्ट थी इस तरह के काम करने में। परहैप्स शायद सम वीमेन एंड मैन, कुछ आदमी और औरतें, मे हैव बीन, वे रहे होंगे स्पेशलिस्ट, यानी कि विशेषज्ञ रहे होंगे। तो गाइज आई होप यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया। कितने पेज हो गए हैं? 6 पेज हमने पूरे पढ़ लिए, थोड़ा सा नीचे का रहता है बट ये हम नहीं पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपने देखा कि इंग्लिश की पावर क्या है। तो इतना कुछ नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश आ गई तो ये चैप्टर याद थोड़ी करने पड़ेंगे आपको, बस वर्ड मीनिंग याद करने हैं, स्टोरी आपको जाननी है, और एग्जाम में आराम से लिख के आएंगे। तो यही इंग्लिश की पावर है, नहीं तो याद करने बैठे रहो, याद करोगे 4 दिन बाद भूल जाओगे, और कितना याद करोगे वो आप जाने। तो अभी आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके इंग्लिश को सीखें, आपको वहाँ पे पूरी नॉलेज मिलेगी, और उसके अलावा आपको इंग्लिश सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा प्रॉमिस है, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, थैंक यू।